हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ये ब्यूटीफुल सा इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस टाइम आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देखते हो पर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो भाई, मेरे चैनल को फ्री है एकदम। बगल में जो बेल आइकन ना छोटा सा, उसे भी हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक प्राइमर जो कि सिलिकॉन बेस। इन सभी प्रोडक्ट का परचेज लिंक मैंने आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड है। देन इस इल्यूमिनेटर को मैंने ब्लेंड किया है एक ब्रश की हेल्प से, एंड बस आपको इस इल्यूमिनेटर को लगाना है और इसे ब्लेंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो फाउंडेशन यूज़ किए हैं, एनवाबे का और मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। दोनों का एक एक पंप लेकर के मिक्स करके मैं अप्लाई करूँगी। क्यों मैंने किया है, क्योंकि जो ये मेबलिन का फाउंडेशन है ना, ये मेरी स्किन टोन से डार्क है, जिसकी वजह से ना मेरा फेस ब्लैक कर देता है। तो इसलिए मैंने इसमें एक लाइट कवर का, जो एनवाबे का बना बहुत ज़्यादा लाइट है मेरी स्किन टोन से, तो दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये मेरे स्किन टोन का शेड बन गया। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपके पास दो तीन फाउंडेशंस हैं तो आप डार्क लाइट को मिक्स करके आप कलर शेड्स बना सकते हो, ठीक है गाइस। एंड इसको अपने पूरे फेस पे लगा के मैंने ब्लेंड कर दिया है, क्योंकि मेकअप में ना बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, तो जो कि एक वीडियो में मैं नहीं बता सकती, इसलिए मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करी हुई हैं। एक है मेरा 3 डेज़ का क्लास, एक है मेरा 7 डेज़ का क्लास जो कि ऑलरेडी चल रहा है। दिस इज़ इंडिविजुअल मेकअप सेशन, जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस मेकअप, प्रोडक्ट नॉलेज और साथ ही साथ में आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग के बारे में भी बताती हूँ। तो इनकेस अगर आप लोग मेरी क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरी मेल आईडी में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बातों बातों में मैंने यहाँ पे अपना फाउंडेशन और कंसीलर भी ब्लेंड कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मालियाओ का लूज पाउडर, और उसके थ्रू मैं अपने फेस की करूँगी बेकिंग, जिससे कि मेरा जो बेस मेकअप है वो कहीं पे भी जाए ना, केवल उसी जगह पे करूँगी जहाँ पे मुझे स्वेटिंग होता है। अब यहाँ पर मैंने गाइज आई मेकअप किया है, तो थोड़ा सा क्लिप जो है वो मैं पॉज ऑन करना भूल गई थी, तो मैं बता देती मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना ऑरेंज कलर को ना क्रीज पे बिल्डअप किया है, एंड उसके बाद में फिर मैंने एक कंसीलर को यूज़ करके उसके थ्रू मैंने अपने उसको पूरी लिड पे अप्लाई किया है, और लोअर लैश लाइन पे मैंने ब्लैक आई शेडो के थ्रू रिवर्स लाइनर ड्रॉ किया है। डोंट वरी, रिवर्स लाइनर का जो वीडियो होगा वो मेरे शॉर्ट वीडियो में या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, और उसके थ्रू मैं लूज ग्लिटर को पूरी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। ये लूज ग्लिटर जो है ये 20 रुपीज़ वाले लूज ग्लिटर हैं, एंड इसको पूरी लिड पे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे अपर लैशेज पे कोई भी वर्क नहीं है, जितना भी काम मैंने किया है मैंने लोअर लैशेज पे किया है। तो ये थोड़ा सा ना अलग से आईलाइनर है, अगर आप ये रिवर्स लाइनर नहीं लगाना चाहते तो आप नॉर्मल सा लाइनर भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ब्राउज को फिल इन कर रही हूँ एक ब्लैक आई शेडो की हेल्प से, और आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो, ब्लैक या ब्राउन, अपनी ब्राउज के कलर के अकॉर्डिंग। सो अगर आप भी मेकअप लवर पर्सन हो, मेकअप सीखना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेना, जिसमें आपको सारी डिटेल्स दी जाती है प्रोडक्ट नॉलेज की, आपको बेसिक टू एडवांस इसमें स्किन भी सिखाया जाता है, सोशल मीडिया के बारे में बताया जाता है, एंड आपको सारे ही प्रोडक्ट विद सर्टिफिकेट दिया जाता है। 3 डेज़ एंड 7 डेज़ का है, जो भी आप प्लान परचेज करना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लिया है, एंड इनर कॉर्नर को भी मैं अपने हाईलाइट कर रही हूँ। और इस बार मैं आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था, पर मैं आपको पूरा डिटेल देना भूल गई थी क्लास का, इस बार की वीडियो में मैं आपको क्लास का डिटेल भी दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने एनवाबे का ही कॉन्टोर स्टिक यूज़ किया है, आप कोई भी कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर सकते हैं, या आप ब्राउन शेडो आपके आई शेडो पैलेट में हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद में मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी एक कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से। सो अगर आप एक अच्छे से मेकअप आर्टिस्ट हैं तो भी ये क्लासेस आपके लिए हैं, अगर आपने कभी भी ब्रश नहीं पकड़ा ना तो भी ये क्लासेस आपके लिए हैं। मतलब मैं बेसिक, मतलब एकदम बेसिक से सिखाती हूँ टू एडवांस, ओके। बहुत ज़्यादा मैं भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ मेकअप में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जितना मेरे को नॉलेज हुआ है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आना, अगर इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
अब यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर को यूज़ किया है, इसको मैं इसके थ्रू मैं अपने फीचर्स को ना हाईलाइट करूँगी। ब्लश के लिए मैंने कलर्स क्वीन पैलेट की पैलेट में से पीच शेड यूज़ किया है ब्लश के लिए, बहुत ही लाइट सा शेड यूज़ किया है। एंड देन हाईलाइटर भी इसी शेड से यूज़ इसी पैलेट में से मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके थ्रू मैं अपने पूरे फेस के हाई पॉइंट्स पे इनको हाईलाइट करूँगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको ना अच्छे से हाईलाइटर यूज़ करना है, जिससे कि आपका फेस जो है वो ग्लोइंग होगा। अब हाईलाइटर अप्लाई करने की भी बहुत सी टिप्स होती हैं, अगर पिगमेंटेड हाइलाइटर नहीं है तो कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं अब मेरे क्लास पे आप लोगों को सिखाती हूँ, ठीक है। हाईलाइटर को अप्लाई करने के बाद हल्का सा मैं ब्लेंड भी कर देती हूँ, एंड देन पाउडर को भी हम डस्ट ऑफ कर देंगे। एंड अब आप देख सकते हो मेरे फेस पे अच्छे से फीचर्स आ गए। अब यहाँ पे मैंने गाइस पहले पिंक लिपस्टिक अप्लाई की थी, बट फिर मुझे ऐसा लगा पिंक इस लुक के साथ नहीं जा रहा, तो मैंने लिपस्टिक चेंज कर दी थी। तो दोनों लिपस्टिक में से आपको कौन सा ऐसे लुक में ज़्यादा अच्छा लग रहा था प्लीज़ कॉमेंट डाउन करिएगा। पहले मैंने पिंक लिप लाइनर यूज़ किया, एंड देन लिप क्रेयॉन यूज़ किया है मैंने NYB का, और उसके बाद में हल्की सी मैंने SQ की लिपस्टिक भी उस पर टैप की है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा इंटेंस लुक आए। सो या लिपस्टिक डन। इसके बाद में मेकअप को मैंने सेट किया था मेकअप सेटिंग स्प्रे से, जो कि था स्विस ब्यूटी का। सो बस हेयर इज़ माय फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। एंड गाइज मैं फ़ोन के कैमरे से शूट करती हूँ, मेरे पास कोई कैमरा नहीं प्रोफेशनल, तो ये लुक उतने अच्छे से नहीं शूट हुआ, बट ट्रस्ट मी ये लुक इतना ब्यूटीफुली टर्न आउट हुआ था, आई एम लविंग इट। मैं कैमरा क्वालिटी इंक्रीज